नमस्कार दोस्तों, संजीवनी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पतंजलि दिव्य यौवन अमृत वटी के बारे में। इसका दाम केवल 250 रुपया है। अब आइए मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसको खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली बात, जो मर्द भाई अपनी शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं ले पा गए हैं, ये दवा खास करके उनके लिए बनाया गया है। इस दवा का एक और खास बात यह है कि इसको सभी प्रकृति के लोग खा सकते हैं। इस दवा का कोई नुकसान नहीं देखा गया है। इस दवा को बनाने में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जिसके सेवन से मर्दों की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इस दवा को बनाने में इन सब जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि जायफल, स्वर्ण भस्म, शुद्ध कुचला, सफ़ेद मूसली, बबूल, बला, शिलाजीत, सतावर, प्रभाल पिष्टी, बंग भस्म कोच, अश्वगंधा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सब औषधि हमारे बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में बल प्रदान करती है। अगर आपके शरीर में बहुत कमजोरी रहती है, हमेशा आपके शरीर में दर्द होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो भी आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। इस दवा के सेवन से दिल और दिमाग दोनों तेज होती है। जिन लोगों में काम वासना की इच्छा नहीं होती है या फिर आपका मूड नहीं होता है, तो इस दवा के सेवन से आपकी मूड अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये दिमाग से तनाव को कम करती है। जिनके शरीर में शुक्राणु कम बनती है या बिल्कुल ही नहीं बनती है, इसका लगातार सेवन करने से उनकी शुक्राणु बहुत ही अधिक मात्रा में बनने लगती है। बहुत से जवान लड़कों को स्वप्न दोष की बीमारी होती है या कुछ लोगों का पेशाब करते समय धात निकल जाती है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये दवा बहुत ही लाभदायक है। जिन पुरुषों का बहुत ही जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, वह भी इस दवा को नियमित खाएं। और जिनके गुप्त अंगों में इन्फेक्शन हो जाती है, ये दवा उन सभी इन्फेक्शनों को भी ठीक करती है। तो इस दवा का मुख्य काम यह है कि शीघ्र पतन, शुक्राणु की कमी होना, काम इच्छा नहीं होना, सामान्य कमजोरी, गुप्त अंगों में इन्फेक्शन, नपुंसकता, स्वप्न दोष, धातु दोष, इन सभी बीमारियों के लिए ये दवा बहुत ही अच्छी है। अब आइए मैं आप सभी को बताती हूँ कि इसको खाना कैसे है। सुबह नाश्ता करने के 1 घंटा बाद 1 गिलास हल्का गर्म दूध के साथ आप 1 टैबलेट को खा लें। उसके 1 घंटा बाद तक आप कुछ भी ना खाएं। अगर आप दूध नहीं पी सकते हैं तो हल्का गर्म पानी के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। 1 टैबलेट सुबह के टाइम और 1 टैबलेट शाम के टाइम। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, खाली पेट इस दवा का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप इस योना अमृत का सही फायदा लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ चंद्रप्रभा वटी भी लें। दोनों का सेवन एक साथ करें तो इससे आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा। 6 महीना तक अगर आप इसको कंटिन्यू सेवन करते हैं तो इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखा गया है। मैंने शिलाजीत के ऊपर काफ़ी वीडियो दिया हुआ है। उन सभी वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने शिलाजीत का सेवन करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट्स किया कि मुझे इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब जो मैं आपसे कहने वाली हूँ, आप उसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। शिलाजीत हो या कोई भी दवा हो, उसका सही फायदा आपको तभी मिलेगा
जब आप कुछ नियमों का पालन करेंगे। कौन कौन से है वो नियम, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, खाना पीना ही सबसे बड़ी दवा है। इसीलिए मैंने काफ़ी सारे वीडियो में कहा भी है, फूड इज मेडिसिन। आप सबसे पहले अपना खाना पीना सही करें और सही टाइम से खाएं भी, और ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं। तो पहली बात यह हुई कि आप अपने खाना पीना पे ध्यान दें। दूसरा नियम, जब भी आप कोई दवा खाएं तो आप उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करें। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए डॉक्टर ने आपसे कहा है कि ये दवा आपको 7 दिन खाना है, 2 दिन आपने उस दवा को खाया, अब आप ठीक हो गए, तो तीसरे दिन से उस दवा को छोड़े नहीं। जब डॉक्टर ने कहा है कि 7 दिन, तो आप 7 दिन का पूरा कोर्स कंप्लीट करें। तीसरा नियम, टाइम का खास ध्यान रखें। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जब भी दवा लेते हैं तो अपना एक टाइम बना लें और उस टाइम को फॉलो करें। यानी कि कभी 9 बजे खा लिया तो कभी 10 बजे खा लिया तो कभी 12 बजे खा लिया, आप ऐसा गलती ना करें। चौथा नियम, सिर्फ दवा खाने से आपको फ़ायदा नहीं होता है। दवा आपको 45% हेल्प करती है, बाकी के 55% आपके अपने हाथों में है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अपने दिनचर्या पे भी ध्यान दें। मान लीजिए कि आप एक तरफ तो शिलाजीत खा गए हैं और उसके साथ आप नॉनवेज भी खा गए हैं, या तो फिर नशीले पदार्थों का सेवन कर गए हैं, तो अब आप खुद सोचिए, आपने जितना अपने हेल्थ को प्लस नहीं किया उससे ज़्यादा तो आपने माइनस कर दिया, तो अब आपको सही फ़ायदा कैसे मिलेगा। सही फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो दवा के साथ साथ डिसिप्लिन को भी फॉलो करते हैं, और जो लोग डिसिप्लिन को सारा जीवन फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को तो जल्दी दवा का ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। पांचवा नियम, आयुर्वेद में स्वस्थ उसको माना जाता है जो शरीर से भी स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो और चित्त से भी स्वस्थ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चित्त क्या है। इसको मैं आपको एक आसान भाषा में समझाती हूँ। हमारे मन का जो मन होता है उसको हम लोग चित्त बोलते हैं, या फिर आप उसको मेंटल स्टेट भी बोल सकते हैं। वैसे तो हमारे मन में बहुत कुछ चलते रहता है, लेकिन हमारे मन का एक स्टेट होता है जो कि जल्दी नहीं बदलता है, कभी कभी बदलता है। जैसे कि आप मान लीजिए सुबह में आप खुश हैं, शाम को आप दुखित हैं, रात को आप फिर से खुश हैं, ये तो हुआ सामान्य जिंदगी। ऐसा तो सभी लोगों के जीवन में होता है, लेकिन हम लोग के विचार में 24 घंटा एक बात चलते रहता है, किसी खास चीज़ को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोग या तो नेगेटिव सोचते हैं या तो पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। आम तौर पे लोग तो आपको कह देते हैं कि टेंशन मत लो, लेकिन सबका अपना अपना एक ज़िंदगी होता है, अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, जिसमें हम लोग के साथ कभी कभी कुछ गलत भी हो जाती है, जिसके कारण हम सभी टेंशन लेते भी हैं या तो नेगेटिव सोचते भी हैं। उस समय आपको आके कोई कितना भी बोल दे या तो समझा दे कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका मन तो मानेगा ही नहीं, आप तो उसी चीज़ को सोचते रहिएगा। अब आइए मैं आपको इस चीज़ के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताती हूँ, आप अपने मूड को चेंज करें। सबसे अच्छा होगा कि आप योगा करें या तो फिर आप ध्यान आसन लगाएं, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग कर भी नहीं पाते हैं। आजकल तो मोबाइल सभी के पास होता है, आप अपना मनपसंद संगीत सुने, या फिर आपको गज़ल पसंद है तो गज़ल सुने, या तो भगवान का भजन करना पसंद है तो भजन करें, या आपको गेम खेलने का शौक़ है तो गेम खेलें, या तो फिर आप अपना मनपसंद मूवी देखें,
कम से कम आधा घंटा तक। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, आप सैड सॉन्ग ना सुने। सैड सॉन्ग सुनने से हम लोग का मन उदास हो जाता है, इसीलिए आप कोशिश करें सैड सॉन्ग आप कभी भी ना सुने। ऐसा मैं आपको कहने इसलिए बोल रही हूँ, जब हम लोग अपना मनपसंद कोई काम करते हैं तो हम लोग अपना सारा टेंशन भूल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम लोग का सारा ध्यान हमारे मनपसंद काम में होता है। अब आपको क्या पसंद है ये तो आप ही जानते हैं, तो आप जब भी टेंशन में आए तो आप अपना मनपसंद काम करें। छठवां नियम, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बीमारी होती नहीं है, लेकिन इधर उधर से कुछ गलत सुन के अपने बारे में वह लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं कि मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं है। ये बात खास करके मैं उन लोगों से बोल रही हूँ जो लोग काम सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने बारे में अच्छा सोचें, गलत भावना अपने बारे में ना सोचें और अपने मन को मजबूत करें, तब आपको कभी भी काम सुख की शिकायत नहीं होगी। सातवां नियम, मैं आपको अपने तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ को बिगड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, लेकिन उसको ठीक करने में काफ़ी समय लगता है। तो अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है, यानी कि आपको कोई भी बीमारी है, तो उसको ठीक होने में कुछ महीनों का टाइम लग सकता है। इसके लिए आप नर्वस नहीं हो, बस समय का इंतज़ार करें और डिसिप्लिन को फॉलो करें। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको कोई बीमारी होने में 2 साल समय लगा है तो उसको ठीक होने में भी कम से कम 2 महीना का समय लग सकता है। आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। और मैं अपने तरफ से आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ, काम करना तो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं या तो कुछ लोग अपने दुकान में काम करते हैं। जब आप काम करके आते हैं या जब भी आपको फ्री टाइम मिलता हो, 24 घंटा में कम से कम 2 घंटा तक हर इंसान को मनोरंजन जरूर से करना चाहिए, एवरी डे। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग ऐसा ठीक से नहीं करते हैं, इनसे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, दूसरी बात वह लोग थोड़े चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं और उनके रिश्ते में भी दरार आने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि मनोरंजन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। खुश रहने का कोशिश कीजिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।